काफी कूल लुक्स में देखने को मिल जाएगी। बाइक की कलर की बात करें तो बजाज पल्सर 180F में आपको सीट सॉफ्ट है पर लॉन्ग राइड के लिए गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है जो आपको फिफ्थ गियर में 120 से। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर नितिन, यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। आज के मार्केट में अगर आप एक फुल फेयरिंग वाला बाइक देखने जाओगे तो आपको बहुत सारा बाइक्स देखने को मिल जाएगी और काफी अच्छी खासी प्राइस में भी देखने को मिल जाएगी, और तो और वेट भी काफी होती है इन फेयरिंग वाली बाइक्स की। तो आज जो बाइक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो बाइक हाफ फेयरिंग होने के साथ साथ उसकी वेट भी काफी कम है बाकी फेयरिंग वाली बाइक के कंपैरिजन में, और तो और बजट फ्रेंडली भी है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं बजाज पल्सर 180F की तरफ। बजाज पल्सर 180 की दो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, बजाज पल्सर 180 नेकेड स्पोर्ट्स और बजाज पल्सर 180F। बजाज पल्सर 180 नेकेड स्पोर्ट्स की फुल रिव्यू हमने अपने चैनल पे कर रखी है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो फिर मैं आई बटन पे प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसको जाके देख सकते हो। बजाज पल्सर 180F आपको काफी कूल लुक्स में देखने को मिल जाएगी। बाइक की कलर की बात करें तो बजाज पल्सर 180F में आपको तीन कलर वेरिएंट देखने को मिल जाती है, ब्लैक रेड, नियॉन ऑरेंज एंड ब्लैक सिल्वर। बाइक की टैंक के ऊपर और पिलियन ग्रैबरिल्स के नीचे पल्सर और 180F की बेजिंग देखने को मिल जाती है। बाइक की फ्रंट लुक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको एक बड़ा सा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है और उसी के ऊपर फोल्डेबल मिरर भी देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको पायलट DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिल जाता है। टेल लैम्प की बात करें तो पल्सर 180F में आपको LED टेल लैम्प और हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करें तो बजाज पल्सर 180F में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जहां आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर और फ्यूल गॉज देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ न्यूट्रल, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, लो बैटरी, इंजन मलफंक्शन और साइड स्टैंड अलार्म इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो बाइक की लेफ्ट हैंडल बार में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, और राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो पल्सर 180F में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक और 3.2 लीटर की रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जहां आपको 40 से लेके 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। सीट सॉफ्ट है पर लॉन्ग राइड के लिए सही नहीं है। सीट हाइट 790 मिलीमीटर की है और ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर की देखने को मिल जाती है, और वेट की बात करें तो पल्सर 180 में आपको 156 केजी की वेट देखने को मिल जाती है। बजाज पल्सर 180F में आपको DTSI 178.6 cc की 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाती है, जो आपको 16.6 bhp की मैक्सिमम पावर और 14.52 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। पल्सर 180F में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है, जो आपको फिफ्थ गियर में 120 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड निकाल के दे सकती है। बाइक की सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश और रियर में फिफ्थ वे एडजस्टेबल निट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बजाज पल्सर 180F में आपको 90x90 सेक्शन की 70 इंचेस वाला फ्रंट टायर और रियर में 120x80 सेक्शन की 70 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो पल्सर 180F में आपको डुअल डिस्क के साथ साथ सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है, और तो और बाइक में राउंड शेप एग्जॉस्ट के साथ क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट गार्ड भी देखने को मिल जाता है, उसी के साथ लेडीज फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, ओपन चेन और बॉक्स टाइप स्विंगम भी देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो बजाज पल्सर 180F स्टैंडर्ड वर्जन आपको 110,330 की एक्स शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है, और बजाज पल्सर 180F नॉर्मल वर्जन आपको 114,550 की एक्स शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।